Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Computer, Chapter Number 1, Internet and Email. Today's topic is the email window. Title Bar The title bar displays the icon and the name of the open folder. इनबॉक्स इट ऑल्सो डिस्प्ले इज़ द नेम ऑफ द ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर टाइटल बार के अंदर एक तो क्या होता है कि जो आपने ओपन किया है ओके फोल्डर उसका नेम दिखाता है जैसे आपने इनबॉक्स फोल्डर ओपन किया है तो इनबॉक्स ओके और जो ब्राउज़र अपने जो ब्राउजर के अंदर ओपन किया है वो ब्राउज़र का भी नेम फॉर एग्जांपल विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो भी टाइटल बार के अंदर डिस्प्ले होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी थ्री बटनस देखो ये थ्री बटन्स है मिनिमाइज रिस्टोर डाउन एंड क्लोज क्लिक ऑन मिनिमाइज टू मिनिमाइज़ द विंडो द विंडो डिससेपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप नाव यू कैन सी ऑनली द आइकन बटन ऑन द टास्क बार ये बटन पर क्लिक करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगा डिसपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप और टास्क बार के ऊपर उसका इंटरनेट एक्सप्लोर का जो आइकन है वो दिखेगा टू सी द विंडो अगेन जस्ट क्लिक ऑन द आइकन बटन इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन द टास्क बार अगर अपने को वापस विंडो को देखना है तो ये टास्क बार के ऊपर जो आइकन है छोटा सा उसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन टू मेक द विंडो स्मॉलर इन द स्मॉलर विंडो दिस बटन चेंजेस टू मैक्सिमाइज बटन देखो रिस्ट्रोडाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगा साइज में छोटा अब जैसे ही वो विंडो छोटा हुआ तो बटन का आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा ओके okay, और उसका नेम भी क्या होगा मैक्सिमाइज बटन क्लिक ऑन मैक्सिमाइज टू सी द विंडो इन इट्स ओरिजिनल साइज अगेन वापस ये मैक्सिमाइज बटन के ऊपर अपने क्लिक करें तो वापस विंडो एज इट इज जो ओरिजिनल साइज थी उसमें दिखेगा क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द विंडो फिर क्लोज के ऊपर क्लिक करके विंडो को अपने क्लोज कर सकते हैं एड्रेस बार इट डिस्प्ले द डिटेल्ड एड्रेस ऑफ द ओपन फोल्डर जो फोल्डर अपने ओपन किया है उसका पूरा एड्रेस वहाँ पे अपने को डिस्प्ले करेगा ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी टू बटन्स देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे टू बटन्स है बैक एंड फॉरवर्ड क्लिक ऑन बैक टू गो बैक टू द फोल्डर यू ओपन बिफोर द करंट वन बैक से क्या होगा कि अपने बेग कोई भी पेज में बैग जाना हो जैसे अपने दूसरे नंबर के पेज के ऊपर है बैग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर के पेज के ऊपर आएंगे फॉरवर्ड टू गो टू द फोल्डर यू हैड ओपन बिफोर यू यूज़ द बैग बटन जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे है अब अपने उसको फॉरवर्ड करेंगे तो सेकेंड पेज पर पे वापिस अपने जा पाएंगे क्लिक ऑन द एरो टू द राइट टू सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द फोल्डर्स दैट यू रीसेंटली ओपन देखो ये जो एरो दिया है उसके ऊपर अपने क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो ओपन किए है फोल्डर्स उसको अपने देख पाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी रिफ्रेश क्लिक ऑन दिस बटन टू रिफ्रेश अपडेट योर ईमेल्स इसे क्या होगा अपना जो पेज है ओके okay? वो रिफ्रेश होगा ईमेल का जो भी है ओके मेन्यू बार मेन्यू बार कंटें द मेन मेन्यूज फाइल एडिट व्यू फेवरेट टूल्स एंड हेल्प दिस मीन्स कंटेन अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट आर यूजफुल वैन यू आर सेंडिंग और रिसीविंग ई देखो इसके अंदर मैन्यूबार के अंदर ये सब मैन्यूज़ है उसके अंदर अलग अलग कमांड्स है जो अपने को बहुत यूज़फुल होते हैं जो अपने सेंड करते हैं मेल रिसीव करते हैं उसके अंदर बहुत यूजफुल है ये एक्टिव टेप द एक्टिव टेप शोज द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर और द करंट पेज ऑफ योर ई मेल जो फोल्डर अपने ओपन किया है ओके okay, जो पेज अपना करंट है वो वहाँ पे एक्टिव टेप के ऊपर दिखाई देगा नॉट द चेंजेस इन द एक्टिव टेप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग फोल्डर एंड आफ्टर द फोल्डर हैज बीन ओपन देखो ओपनिंग जैसे प्रोसेस होता है वो कैसे यहाँ पे दिखता है और फोल्डर ओपन हो गया उसका आइकन यहाँ पे कैसे दिखता है वो यहाँ पे दिया हुआ है फोल्डर टेप द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर एपियर्स एज़ अ स्मॉल टेप जस्ट बिलो द एक्टिव टेप देखो एक्टिव टेप के नीचे ये फोल्डर टेप होता है ओके फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है इनबॉक्स के ऊपर एरो दिया हुआ है मतलब ये कौन सा टेब है फोल्डर टेब फोल्डर्स ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ द ईमेल विंडो यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ़ फोल्डर्स फॉर योर ईमेल्स लेफ्ट पेन जो होती है ईमेल विंडो की उसके अंदर अपनी ये लिस्ट देख सकते हैं फोल्डर्स का ओके okay? जो ईमेल के रिलेटेड है द ओपन फोल्डर एपियर्स हाईलाइटेड इन द लिस्ट एंड ऑल्सो एज अ टेब जस्ट बिलो द एक्टिव टेब देखो यहाँ पे वो दिया हुआ है फोल्डर्स का ओके okay, जो लेफ्ट हैंड पेन के अंदर है इनबॉक्स कंटेन्स ऑल ईमेल्स रिसीव्ड जो अपने रिसीव करते हैं वो इनबॉक्स के अंदर आता है मेल ड्राफ्ट कंटेंस ई मेल विच आर रिटर्न बट नॉट सेंट जो आपने लिख लिया है लेकिन सेंट नहीं किया है सेंट कंटेंस ऑल ई मेल सेंड जो आपने सेंड कर दिया है वो ये फोल्डर के अंदर होगा स्पाम कंटेंस अनवॉन्टेड ई मेल लाइक एडवरटाइजमेंट्स एक्सेट्रा जो अनवॉन्टेड ज़रूरी इतने नहीं होते एडवरटाइजमेंट के ई मेल जो होते वो हो, स्प के अंदर होते ट्रेश कंटेंट्स डिलेटेड ई मेल्स जो अपने ई मेल डिलेट कर देते वो इसके अंदर ये फोल्डर में होता है क्लिक ऑन अ फोल्डर टू ओपन इट ऑन द राइट पेन यू विल सी अ सी ऑल ई मेल्स स्टोर्ड इन दैट फोल्डर देखो यहाँ पे राइट right पेन के ऊपर अपने क्लिक करेंगे तो जो अपने ईमेल्स होंगे स्टोर वो सब अपने देख सकेंगे स्टेटस बार इट डिस्प्लेस द करंट स्टेटस ऑफ योर ईमेल एक्टिविटी जो अपना करंट स्टेटस होता है ईमेल एक्टिविटी का वो सब यहाँ पे देखो इमेज में भी दिया हुआ है ओके वेन एन एक्शन और एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड यू विल सी दर्ड डन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटस बार देखो जैसे ही एक्शन एक्टिविटी जो भी कंप्लीट हो जाती है तो एक्शन मतलब कंप्लीट हो गई तो ये नीचे लिखा हुआ आता है डन यू कैन ऑल्सो सी द कनेक्टिविटी आइकन विच इज डिस्प्ले वेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मतलब अपने इंटरनेट के साथ कनेक्शन है उसका भी आइकन बताता है कि कनेक्टेड है कि नहीं ओके कंपोज नेम एंड साइन आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो क्लिक ऑन कंपोज टू राइट एंड ई मेल एंड सेंड इट देखो ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताई थी वीडियो सेंड किया था उसमें कि अपने ईमेल अगर किसी को सेंड करना है तो कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे ओके द राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो डिस्प्ले द यूजर्स फर्स्ट नेम विथ विच द ई मेल अकाउंट वॉज ओपन देखो यूज़र का नेम जो है राइट हैंड साइड पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओके यूज़र्स फर्स्ट नेम यहाँ पर एरो से बताया हुआ भी है क्लिक ऑन साइन आउट टू साइन आउट ऑफ योर ई मेल अकाउंट वेन यू साइन आउट यू विल गो टू द होम पेज ऑफ याहू अब साइन आउट अपने करेंगे तो क्या होगा अपना जो ई मेल अकाउंट है उसमें से अपने बाहर निकल जाएंगे और जो होम पेज है याहू का वो अपने को दिखाई देगा अगर अपने जी मेल के अंदर यूज़ करते हैं तो जी मेल का जो पेज रहेगा होम पेज वो दिखाई देगा ओके okay? आई होप कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़